नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लर्निंग टिप सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग दैनिक लर्निंग टिप्स लाए हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है या ये कहाँ मिलता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ अपर पार्ट में आपको मिलता है दैनिक लर्निंग। दोस्तों, वो आपको डेली रीड करना है और उसी को लेकर हम लोग ये वीडियो लेसन आपके लिए लाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेज़ी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेज़ी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग आपके लिए लाए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता वर्ब, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और डिटर्मिनर्स कहाँ यूज़ होते हैं। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, वर्ब एक तरह का काम होता है। वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, इसको काम भी कहा जाता है और ये एक्सप्रेस करता है एक्शन को। जो भी काम हम करते हैं तो काम करना, करने को हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। जैसे कि डिलीवर, डिलीवर एक तरह का वर्ब है, इसका मीन्स होता है पहुंचाना। जैसे अगर मैंने कहा आई एम डिलीवरिंग, यानी मैं पहुंचा रहा हूं। ऐसे ही दोस्तों, नाउन, नाउन एक तरह का वर्ड है जिसे हम संज्ञा कहते हैं और इसका मीन होता है इट एक्सप्रेसेस अ थिंग, ये कोई चीज दर्शाता है। नाउन का मतलब होता है कोई चीज, कोई वस्तु। जैसे कि कंप्यूटर, कंप्यूटर इज अ नाउन, कंप्यूटर एक वस्तु का नाम है। ऐसे ही दोस्तों, प्रनाउन कहा जाता है इट रिप्लेसेस अ नाउन। ऐसे शब्द जो नाउन की जगह आते हैं काम, उनको प्रनाउन कहते हैं। जैसे कि यू यानी तुम, वी यानी हम, ये प्रनाउन कहलाते हैं। इसी तरह से दोस्तों, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम होता है इट शोज क्वालिटी, ये क्वालिटी दर्शाता है, किसी भी चीज़ का विशेषण यानी गुण दर्शाने का काम करता है। जैसे कि गुड, गुड क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव। येलो, येलो यानी पीला, ये भी क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव। ऐसे ही एडवर्ब, एडवर्ब का मीन्स होता है क्रिया विशेषण। जैसे कि ये यूज़ किया जाता है टू शो मोर अबाउट वर्ब और एडजेक्टिव। ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव का मोर मीनिंग देता हो, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि लाइकली यानी लाइकली, स्लोली, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं दोस्तों। ऐसे ही प्रेपोजिशन, दोस्तों प्रेपोजिशंस कहलाते हैं, इट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन और प्रनाउन। दोस्तों, नाउन और प्रनाउन से पहले आने वाले वर्ड्स को प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे कि ऑन एक तरह का प्रेपोजिशन है, ऑन का मतलब होता है ऊपर। इन एक तरह का प्रेपोजिशन है, इन का मतलब होता है अंदर। ऐसे ही दोस्तों, कंजंक्शंस कहलाते हैं, कंजंक्शंस आर यूज्ड टू कनेक्ट टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। ऐसे शब्द जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं या दो वर्ड्स को जोड़ने के काम आते हैं, उन्हें कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि एंड एक तरह का कंजंक्शन है, दैट भी एक तरह का कंजंक्शन है, वाइल भी एक तरह का कंजंक्शन है, ये दो सेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं। ऐसे ही दोस्तों, इंटरजेक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग्स लाइक आउच, ओ या हाय। ये जो शब्द हैं, ये इंटरजेक्शंस हैं, ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के काम आते हैं। ऐसे ही दोस्तों, डिटर्मिनर्स होते हैं, डिटर्मिनर्स लिमिट्स द नाउन। सो ऐसे शब्द जो नाउन को लिमिट करते हैं, उन या उनकी लिमिट दर्शाते हैं, उन्हें डिटर्मिनर्स कहते हैं, जैसे कि द। सो दोस्तों, इस तरह से पार्ट्स स्पीच को समझा जाता है। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड द लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर।